अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केचअप के इंटरैक्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम स्केचअप ओपन करते हैं और इंटरैक्ट टूल हमारा कंपोनेंट के अंदर है और इंटरैक्ट टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टूल है। इसे हम लाइक एनिमेशन करवा सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ हम प्ले कर सकते हैं, उसको हम अंदर से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स में आते हैं। हमारे पास ये इंटरैक्ट टूल है हमारे पास, हमने इसको लेफ्ट क्लिक किया और ये हमारे पास आ गया। ये देखें, ये सॉलिड सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर क्रॉस का निशान आ रहा है, बट यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डोर्स हैं। इंटरैक्ट बेसिकली ये उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। ये देखें, अभी हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ये देखें ओपन हो गया। अब हमने इसको भी ओपन कर लिया, ये देखें। और अगर हमने इनको बंद करना हो तो हम दोबारा से क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक किया, इसको भी लेफ्ट क्लिक किया, इसको भी लेफ्ट क्लिक किया, और ये हमारे पास डिश वॉशर है। और इसको हमने अगर ओपन करना है तो ये देखें, एक क्लिक के ओपन हो गया और दूसरी क्लिक पे ये बंद हो गया। ये देखें, इसी तरह हम सब चीजें ओपन कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंटरैक्ट टूल कंपोनेंट के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को इंटरैक्ट टूल की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं तो ये बहुत ही सूटेबल है और ये बहुत ही यूजफुल है, और इससे आप एक बेसिक एनिमेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, ये ओपन होता है और ये बंद होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।